वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन, अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर। तो अभी जो मेरा ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अराउंड 4000 किलोमीटर का। और ये जो हमारी सीरीज़ है वो है साउथ इंडिया राइड। सो हम लोग बहुत सी चीज़ें कवर करने वाले हैं साउथ इंडिया में, जैसे कि हैदराबाद, देन श्रीशैलम, रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये जो राइड है वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि राइड जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। ओके, तो लगेज वगैरह सारा का सारा डन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक मैं बैग लेने वाला हूँ जो मैं एज अ टेल बैग यूज़ करूँगा। इसके अंदर सुरेश का सामान आ जाएगा। हाँ, मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ, मैं पिलियन के साथ जा रहा हूँ। तो मेरे साथ में आने वाले हैं सुरेश एंड ये सडल बैग, और ये मेरा टैंक बैग एंड बाकी सब सामग्री। ओके, और ये मेरा एक हैंड बैग रहेगा। तो ये सारा जो लगेज है वो मैं लेके जाने वाला हूँ। इसमें एक दिक्कत आ गई कि सडल बैग मेरे पास रेन कवर नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारी पॉलीथिन्स ले लिया है ताकि मैं बारिश से बचूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बारिश आने ही वाली है। तो मैं हैदराबाद में देखूँगा, अगर इसका रेन कवर मुझे मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इफ़ अगर नहीं मिलता है तो काम चला लेंगे। और हमारे साथ आने वाले हैं सुरेश, और मैंने देखा है कि सुरेश की हमेशा तबीयत ख़राब होती रहती है, तो आई होप तबीयत ख़राब ना हो, ये टाइम पे तो ना हो। तो फिलहाल हमने कुछ मेडिसिंस भी ले रखी है, मेडिसिंस लेंगे और फिर निकलेंगे आगे। तो मैं फ़िलहाल राइडिंग गियर्स पहनता हूँ अपने, और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट अपने शिवा पे, क्योंकि मुझे अभी लगेज वगेज भी बांधना है और फिर निकलना है तुरंत हैदराबाद की ओर। तो आज हम लोग जाने वाले हैदराबाद, जो यहाँ से अराउंड 513 किलोमीटर, हमने कल ही जो है वो होटल बुक करके रखा था। तो निकलते हैं हम लोग आगे, और बने रहिए इस सीरीज़ पे। साउथ इंडिया राइड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और बस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब। तो अभी अपनी शिवा जो है वो रेडी हो गई है, अब सिर्फ निकलना है सुरेश को पिकअप करने के लिए। और अभी ना सुरेश का सामान भी आएगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा मैं, थोड़ा सा सैडल बैग में शिफ्ट कर दूंगा बस। चलो, ऑल सेट, शिवा इज़ रेडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्वागत है आपका एक सुहाने सफ़र में, एक सुहाने दिन के साथ। तो अभी जो है ऑलमोस्ट 4:54 यानी 5 बजने वाले। मैं सोच रहा था कि 5 बजे हमें निकलना है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं 5 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने ग्लव्स अभी नहीं पहने, मैं बोला कि सबसे पहले मैं पिकअप कर लेता हूँ सुरेश भाई को अपने, और फिर निकलते हैं आगे। और ये जो सफ़र रहेगा अपना आराम से रहेगा। जैसे आपको पता है कि मैं अभी ज़्यादा गाड़ी स्पीड में भगाता नहीं हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70, रेयर केसेस में 80-90 बस। अदरवाइज गाड़ी की स्पीड जो रहेगी वो अपनी 60 तक ही रहेगी, 60-70 बस, उसके ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं दोस्त, क्योंकि हमें अपने गाड़ी का भी ख्याल रखना है और हमारा भी ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, साउथ राइड। तो साउथ इंडिया राइड में आपका स्वागत है, और सपोर्ट करो यार, बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा ना तुमको देख करके मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर तुम कभी वीडियोस देखते हो तो मुझे और मज़ा आता है कि आपको नई नई चीज़ें घुमाऊँ। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। अगर आपको पसंद आए सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इफ नॉट एंजॉय द राइड, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भैया घूमेंगे और घुमाएंगे। तो भैया मैं निकला था सुरेश के घर से लगभग 5:40 को, मुझे लगा ही था कि ऑलमोस्ट जो है वो भैया 6 बजने वाले हैं। और अभी हम लोग सुरेश के घर से कोई शॉर्टकट लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने घर से जाता हूँ यहाँ तो पूरा हाईवे पे जाता, तो यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। हम देखते हैं, अब 6 बजे है, अब हैदराबाद आज का हमारा स्टे रहेगा। कितना टाइम लगता है, कितने देर तक पहुँचते हैं, आई डोंट नो, बस 6 बजे निकले हैं ये हमें समझना है। अब आगे कितना समय लगता है, कैसे रोड है, रोड तो मुझे पता है भाई साहब, तेलंगाना के जो हाईवे है उसके पहले के रोड बहुत बेकार है। अभी अगर अच्छे हो गए ना तो भैया राइड सफल हो जाएगी, वरना कैसा है कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास में लगेज है। तो पहले कहता कि मैं, हम लोग जब मैं गया था तब लगेज नहीं था, तो मैं ऐसी गाड़ी कूदाते हुए निकल जाता था, लेकिन अभी लगेज है, मेन स्टैंड है, तो मैं गाड़ी कूदा नहीं सकता हूँ, और सेफ चलाना है। देखेंगे, आराम आराम से जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यार मौसम बड़ा सुहाना है,
जंगल से लेके आया ना भाई, मजा आ गया मेरे को। वर्धा है 70, यवतमाल है 40, चंद्रपुर है 144 और प्रयागराज है 659। और अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद है 491। तो फाइनली हाईवे मिल गया, अब टेंशन नहीं है, अब गाड़ी थोड़ी सी हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं। तो भी यहाँ से जो हैदराबाद है वो लगभग 455 किलोमीटर है और हमने 44 किलोमीटर कवर कर लिए, ज़्यादा नहीं 44 कवर किए। यहाँ से हम लोग सबसे पहले हिंगन घाट जाएंगे और हिंगन घाट से मुझे राइट लेना इतना मुझे याद है, वरना फिर वहाँ से मुझे मैप देखना पड़ेगा कहाँ से निकलना है। पता नहीं लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, सोचो यार हाईवे पे चल रहे ना तो हमेशा हेलमेट ज़रूरी है। मैं जब सजेस्ट करने जा रहा था, एक बंदा मैंने देखा, मैंने जैसी मतलब मेरे से जैसे ओवरटेक किया उसने, ठीक है, ज़्यादा नहीं 125 सीसी की 100 सीसी की कुछ गाड़ी थी उसकी, और ऐसा लहरा रहा था। मतलब भैया तो लहरा कुछ भी कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो भैया 100 की स्पीड में चला या 200 की स्पीड में चला, अपने को तो भैया बराबर जाना है बस। ये देखो हल्का सा मेरा हैंडल ना बॉबल कर रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हैंडल अभी चेंज करवा देगी, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा अगर लोड आ जाता है ना गाड़ी पे तो एक हाथ से बॉबल करता है, इसलिए मैं दोनों हाथ से प्रेफर करता हूँ चलाना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हिंगन घाट से जो राइट टर्न लेते हैं हिंगन घाट, फिर वो जाते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे, और फिलहाल कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते आगे। तो अभी जो है वो ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, 8:30 के 6:50 हो रहे बस। तो अभी सिर्फ 6:50 हो रहे, मुझे लगा था कि 8-9 बज रहे होंगे। तो अभी पता नहीं कितने देर में पहुँचते, कितना टाइम लगता है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अरे रोड तो बढ़िया है यार, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से निकले थे पिछली बार तो यहाँ पे गड्ढे थे और रोड अभी ना मस्त नया नया सा दिख रहा है। अगर ऐसा ही रोड रहेगा तो दोस्त बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे और एकदम आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। सारा डिपेंड ना वेदर और रोड पे होता है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी तो अपने पास में है अच्छी, तो क्या बचा वेदर और रोड और राइडर की कंडीशन। तो भैया अपनी कंडीशन तो ज़बरदस्त है, बस रोड की कंडीशन बेटर होनी चाहिए और वेदर अच्छा होना चाहिए, बस ये दो चीज़ अगर बढ़िया है तो सफल है भाई। ऐसा रोड रहे मज़ा आ जाए भाई, मज़ा आ जाए, बस हैदराबाद तक ऐसी रोड होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तेलंगाना के बॉर्डर तक का ना रोड बहुत बेकार था, अभी अच्छा कर दी होगी शायद। चलो बढ़िया यार, अच्छा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। ये देखो यहाँ पे ना दूर दूर तक आपको बस जंगल ही जंगल दिखेंगे। मैं सबसे पहली बार आया था, आपको याद होगा कि सीबी शाइन पे आदिलाबाद तक आया था, मिलते वाटरफॉल हमने किए थे, तो बहुत बढ़िया वाटरफॉल था, कुंटाला वाटरफॉल और मिलते वाटरफॉल दोनों हमने सीबी शाइन से ही किए थे। नहीं देखे तो ब्लॉग जाके देखो भाई, बारिश के मौसम में ना ये अल्टीमेट है। हमने मस्त फोटोज़ वगैरह निकाले थे, तो ये पूरा पहाड़ छोटे 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 छोटे, बस मैंने तो तेलंगाना तक का जो बॉर्डर है आदिलाबाद का, मैंने बस वहीं तक के किया है आज तक के। अभी देखते हैं कहाँ तक के हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो बस ऐसे ही निकलेगा, हाईवे। यहाँ तो थोड़े से रोड अगर आप देखोगे ना तो ख़राब है, पहले तो अच्छे कर लिए लेकिन यहाँ पे थोड़े से रोड ख़राब रखे हुए, बोले पहले सुधार लो, बोले थोड़ा सा रोड बाद में बोले इन लोग को कोई भी चल जाता है, दिक्कत नहीं है। हाँ सुधारो तो पूरा रोड सुधारो, आधा कौन सुधारो। गाँव गाँव के नाम बड़े खतरनाक हैं, रहे गाँव मांगी, क्या मांगी भैया, किससे मांगी ओ भाई साहब, अलग अलग काम है। तो यहाँ से हैदराबाद है 358, बेंगलुरु 930, कन्याकुमारी है 1586। कन्याकुमारी भी तो जाना है मेरे दोस्त, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। आगे है खूबसूरत नज़ारे और मनमोहक रोड लेकिन ना एक चीज़ मैं बताऊँ ना, तो मुझे यार लगभग नींद जैसी आ रही है यार, कुछ नहीं है बस ये रोड जा रहा है, मैं बस मस्त बैठा हूँ शांति से और गाने सुन रहा हूँ और बस सफ़र जा रहा है, बस कटते जा रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, यही हो रहा है अभी तो।
अभी ऑलमोस्ट जो है वो 150 किलोमीटर हो चुके हैं और हम लोग अभी आए हैं ढाबे पे, और ढाबे पे खाना वाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्ट ब्रेक। तो फिलहाल गाड़ी की जो है थोड़ा बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेंगे कि कुछ पंचर वंचर तो नहीं हुई है, और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 2 स्प्राइट और 1 पानी बॉटल मंगाई है। तो अभी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट जो है वो रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे हैदराबाद की। और जो धूप है अभी भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 12 बजे के बाद 6 से ज़्यादा धूप लग सकती है, तो आराम करते हैं, गाड़ी को तैयार करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी भाई मस्त 15 मिनट का ब्रेक ले लिया हमने, अब डायरेक्ट देखेंगे आगे, ऑलमोस्ट 100 या 150 किलोमीटर बाद फिर से ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेते लेते जाए ना तो पता है क्या, इंसान थकता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से तुम्हारी स्पीड मैनेजेबल होनी चाहिए, 60, 70, 80 मैक्स बस, उसके ऊपर तुमको भी स्ट्रेस, गाड़ी को भी स्ट्रेस और सफ़र को भी स्ट्रेस और डेंजर ड्राइविंग जो होती है, उससे अच्छा भाई तुम अपने हिसाब से चलाओ, सेफ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भले 2 घंटा लेट पहुँचेंगे चलेगा लेकिन पूरी दुनिया घूमेंगे सारा। तो हैदराबाद अभी भी 331 किलोमीटर है, आदिलाबाद 26, आदिलाबाद आया नहीं अब तक के, आदिलाबाद का बॉर्डर भी नहीं लगा है। अगर आप कभी आदिलाबाद आओ ना तो ध्यान में रखो कि कुंटाला वाटरफॉल, मित्ते वाटरफॉल भाई ज़रूर करो, कुंटाला तो करो ही करो, मित्ते भी करो। मित्ते वाटरफॉल में जो भाई ट्रैकिंग है ना, एकदम एडवेंचरस ट्रैक है वो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा व्लॉग तो मित्ते वाटरफॉल का देखना है, अभी आपको मज़ा आएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं तेलंगाना स्टेट, तो अभी ये जो आदिलाबाद है ना, ये एग्जैक्टली बॉर्डर है तेलंगाना स्टेट का, यहाँ से ही हम लोग तेलंगाना स्टेट में एंटर होते हैं। फाइनली सेकंड स्टेट हमारा चालू हो गया, सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट तो महाराष्ट्र ही था इसीलिए सेकंड है तेलंगाना। अब देखते हैं नेक्स्ट तेलंगाना से फिर कहाँ। ये बनाया भाई पहाड़ काट के, आजू बाजू दोनों पहाड़ और बीच में रास्ता, ये जंगल बड़ा प्यारा लगता है। मैं स्टार्टिंग से देख रहा था जंगल ही जंगल है, मज़ा आ गया। स्पीड लिमिट है यहाँ पे कहीं पर 60, 80, 60, 80, पहले 80 देखा था, बाद में तुरंत 60 हो गया, फिर बाद में 40 हो गया। यहाँ पे सबसे घाट है ना इसी चीज़ को, और ये सस्ते स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, तो इससे बोले लोग रुक जाएंगे। भाई अपनी शिवा खतरनाक एवरेज दे रही है, अभी देखो सिर्फ और सिर्फ एक डंडी गायब हुई है 235 किलोमीटर पे, सिर्फ और सिर्फ एक डंडी बस, बाकी पेट्रोल पूरा के पूरा है मेरे पास। अभी 2 डंडी गायब हो जाएगी लेकिन अब तक के देखो एक डंडी हुई है, सोचो। तो बता रहे जहाँ से मैं सर्विसिंग करवा था अपनी गाड़ी, नेक्स्ट लेवल सर्विस करता हूँ, मज़ा आ जाता। क्या प्यारा रूट है भाई, ये मज़ा आ गया, सामने पहाड़ का टेक्सचर है, छोटे छोटे पहाड़, मज़ा आ गया भाई। ऐसे रूट होना तो मज़ा आती है, तो चलाने में भी इच्छा हो जाती है, एकदम सिरसी का रूट होना तो मज़ा नहीं आता। NH44 के भी रोड भाई साहब बहुत प्यारे रोड है, मज़ा आ गया, बहुत प्यार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ पहाड़, छोटे छोटे पेड़, ये तो ये शेड मेरे को पता नहीं बहुत सही लगता है, ऑरेंज वाला शेड। अपनी गाड़ी की स्पीड अभी 70-80 बस, उसके ऊपर लेके जा नहीं रहा हूँ, बस अभी एक बार लेके गया था मैं 100 टच किया था, वो भी सिर्फ कुछ सेकेंड निकले ऐसे ही वाला देखता हूँ आज भी दम है कि नहीं, ऐसे बहुत दम है रोड देखो भाई कितने प्यारे हैं, मज़ा आ रहा है, इतने देर से बोर लग रहा था लेकिन अभी मेरे को सही लग रहा है, रोड काफ़ी प्यार है, गाड़ी का एवरेज भी अच्छा है। मैं बोला था कि 2 डंडी उतरेगी, उतर गई 2.5 किलोमीटर, बहुत एवरेज 40 का एवरेज तो 100% दे रहा ही दे रहा है इसका क्योंकि मेरे को पता है इसका एवरेज निकालना कैसे। ये रॉक्स देखो भाई एकदम डिफरेंट टाइप के रॉक्स है, ये अलग ही लग रहे पूरे। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये रॉक्स का टेक्सचर ही अलग है,
यार एक बार सोचा है कि पहाड़ है इस टाइप के पहाड़ नेक्स्ट लेवल है, पूरे ऐसे गोल 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 पत्थर ऐसा लग रहा है कि किसी ने ला करके रखे हुए मैन मेड है। यहाँ पे टाइगर क्रॉसिंग होती है, चंद्रयन पल्ली टाइगर रिजर्व ऐसा ही समथिंग कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मंचिप्पा रिजर्व फॉरेस्ट एंड चंद्रवन पल्ली दो था यहाँ पे, अच्छा दोनों है मंचिप्पा और चंद्रवन पल्ली समथिंग कुछ नाम था। तो यहाँ पे टाइगर क्रॉसिंग होती है, वाह सोचो एलिफेंट क्रॉसिंग तो सुना है मैंने, टाइगर क्रॉसिंग भी होती है यहाँ पे, जगह जगह बोर्ड लगे हुए, ऐसे बोर्ड सेम तिरुमला तिरुपति पे भी है और शायद से श्रीशैलम में भी है जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी बीच रास्ते पे हम लोग रुके हुए हैं, तो फिलहाल मैं डालता हूँ पानी अपने राइडिंग गियर पे और फिर निकलते आगे, थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो गर्मी को कम करने के लिए पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निकालो भाई पानी, साइड ही रखा था थोड़ा सा, गर्म हो गया क्या? वो तो गर्म हो जाएगा, पीने में मज़ा नहीं है लेकिन अपन इसमें डाल सकते जैकेट में। हाँ कैसा बजा हुआ गर्म है साला पानी, पता है क्या फिर भी गर्म पानी। हाँ फायदा तो है बोलना, अपना टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होता है ना वो, थोड़ा क्या फायदा नहीं तेरा जानी नहीं है वहाँ तो सोख ले रहा। ठीक है आप देखते हैं मस्त कूलर की हवा लेते रहते हैं। मस्त तो लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है भाई, पानी गर्म था ठीक है, बैग में जो पानी था वो गर्म हो गया था लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है भाई, वर्थ है ये। आप बस तो 20-25 मिनट बाद जब भी आपको गर्मी लगे ना बस बॉडी पर डाल दो पानी और बस ठंडे की मज़े लो, बाद में कैसा सूख जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा, वर्थ है। तो इसका तो भाई मैं क्रेडिट जाता है दीपक गुप्ता सर को क्योंकि उन्होंने ही बताए थे, तो दीपक गुप्ता सर थैंक्स फॉर दिस टिप्स। मैंने एक्चुअली ना ड्रीम चेजर पे देखा था, उनके चैनल में मैंने देखा था तो उन्होंने बताए थे वहाँ पे, तो फिर मुझे पता चला ये चीज़ें। तो अभी जस्ट हमने भुट्टा खाए थे और भुट्टा खाते खाते एक दिक्कत आ गई, वो है मेरा जो दांत है ना उसके अंदर एक्चुअली कैविटी हो रखी थी तो वो आधा टूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले डॉक्टर को दिखा देता हूँ एंड देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, फिर मुझे एक्चुअली इसका रूट कैनाल कराना पड़ेगा, मैंने कराया नहीं था तो अब ये ट्रिप में कुछ होना नहीं चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सी क्या हो सकता है, पता चलेगा दांत का फिलहाल, तो नागपुर में जाके फिर रूट कैनाल कराना पड़ेगा मुझे। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस, अब ये साइबराबाद है कि सिकंदराबाद है एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छी खासी वर्ल्ड मतलब डेवलप सिटी लग रही मुझे, साइबराबाद ही होगा भाई जब लिखा है तो सही है साला, साइबर के नाम पे भी एक सिटी है साइबराबाद, मज़े है यार भैया। हैदराबाद आ चुके हैं हम लोग 100% क्योंकि 23 किलोमीटर ही बाकी हमारे रूम को जब हमने बुक किया था, हैदराबाद हम लोग कब से आ चुके हैं मुझे पता ही नहीं चला कब हैदराबाद आ गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गो स्लो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, सो फाइनली वी आर रीच हैदराबाद। हाँ स्वागत है आपका हैदराबाद में, और अभी हम लोग जस्ट ढूंढ रहे हैं हमारा होटल जहाँ मैंने बुक किया था booking.com से, अब वो थोड़ा सा दूर है, अब जहाँ मिलता है वहीं पे ही फ़िलहाल स्टे करते हैं, जब हमने बुक किया था और कोई हम लोग इधर तो नहीं देख रहे।
और फिर उसके बाद देखता हूँ मैं, डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ मेरे टीथ का। फिर आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि कैसा कि अगर दांत का दर्द बढ़ गया तो पूरा सफ़र मेरा बेकार हो जाएगा। तो एक टैबलेट भी ले लूँगा मैं अगर दांत दर्द देता है तो। चलो सुनिए फिर फिलहाल तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट रूम पे। बहुत रश है भाई, बहुत रश है, लिटरली बहुत रश है। मुझे लगा था कि नहीं था लेकिन नागपुर से तो भाई बहुत ज़्यादा है। यही सेम हाल है दिल्ली पुणे, पुणे का और दिल्ली का वैसे भी ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका तो रोज का होगा जो यहाँ पर ट्रैवल करते। अभी ज़्यादा बचा नहीं है, बस रूम मिल जाए तो देखते आगे क्या करना है दोस्त। तो फाइनली मैं ऑलमोस्ट जो है एग्जॉस्ट हो गया और पहुंच चुके हैदराबाद। रूम मैंने जो बुक किया था booking.com पे वो मुझे मिला ही नहीं। मैं बहुत ढूंढा, लोकेशन कुछ और दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ और है तो हमने दूसरा रूम ढूंढे थे। लगभग मैंने जो रूम बुक किया था वो अराउंड 550 का था लेकिन हमें अभी 1000 रुपये का रूम मिला। तो रूम ठीक ठाक है, देखो कुछ ऐसा रूम है छोटा सा और ये अपने श्रेयस भाई सोए हुए हैं लाइक छोटा सा रूम है और इतना रूम का 1000 रुपीज़ चार्जेस इन्होंने लिए हुए हैं। तो ठीक है, फिलहाल आज मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। हैदराबाद हम लोग घूमेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कल निकलना है श्रीशैलम पे और मेरा जो दांत का इशू था तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको रूट कनाल कराऊँगा वो भी मैं नागपुर जा करके। तो फिलहाल मैं ज़्यादा हार्ड चीज़ें कंज्यूम नहीं करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर को। आई एम साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अगले वीडियो में।